नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हम आज का नया पाठ शुरू करते हैं। हमारा पाठ है कक्षा 7 का अध्याय नंबर 10। पाठ का नाम है समानता के लिए संघर्ष। बच्चों, इस पुस्तक में आपने कई कहानियाँ पढ़ी, स्वप्ना की, मिलानी की, अंसारी दंपत्ति की, बच्चों कांता की भी पढ़ी आपने। आपको इन सभी कहानियों में कुछ समानता दिखी? सोचो, कोशिश करो। बिल्कुल सही, इसमें हमें ये समानता दिखी कि सभी कहानियों में जो पात्र थे वो समानता के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो बच्चों, आपने इसी पुस्तक में रोजा पार्कर के बारे में भी पढ़ा था, जो समानता के लिए संघर्ष कर रही थी अमेरिका में। वहीं दूसरी तरफ आपने यहाँ स्त्री आंदोलन के बारे में पढ़ा कि कैसे स्त्रियों ने अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष किया। तो बच्चों, इसी पाठ में हम एक और संघर्ष पढ़ेंगे, तवा मत्स्य संघ का संघर्ष। तो आइए बच्चों, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म व उसके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। देश के हर वयस्क नागरिक को चुनाव के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती व बदलती है। बच्चों, मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की है। बच्चों, आपने पहले के अध्याय में पढ़ा है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों के लापरवाही वाले रवैये ने कांता, हाकिम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया है। ये वही लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते। बच्चों, स्वप्ना के पास भी पर्याप्त संसाधनों की कमी थी और इसीलिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के लिए साहूकार से उधार लेना पड़ा था। यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत में बेचना पड़ा था। देश भर में मिलानी की तरह ही घरेलू काम करने वाले लाखों महिलाएं हैं, जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों का काम करती है। इसके बाद भी वे अपमानित होने के लिए विवश है। क्यों बच्चों? क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती। अगर उनके पास पैसा होता बच्चों, संसाधन होते, तो उन्हें क्या जरूरत थी किसी के लिए काम करने की या मजबूरी में अपनी फसल कम दाम पर बेचने की। ये सभी जो वजह थी बच्चों, वे थी गरीबी और संसाधनों का अभाव। आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता का सबसे बड़ा कारण यही है, गरीबी और संसाधनों का अभाव। बच्चों, इन उदाहरणों में हमने गरीबी और संसाधनों के अभाव की वजह से विषमता और असमानता देखी। बच्चों, आपको अगर दूसरी कहानी याद हो अंसारी दंपत्ति की, वहाँ तो संसाधनों का अभाव भी नहीं था, या कह सकते हैं संसाधन के कम होने के कारण असमानता उन्हें नहीं झेलनी पड़ी थी वास्तव में, जबकि उनके पास किराया देने के लिए पैसे भी थे, तब भी वे एक मकान पाने के लिए महीने भर भटकते रहे। वहाँ पे बच्चों असमानता क्यों थी? क्योंकि लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकिचाते रहे। ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का मैदान महज इसलिए साफ करवाया क्योंकि वे दलित थे। तो बच्चों, आओ अब हम जानें कि असमानता अलग अलग वजह से क्यों की जाती है। बच्चों, महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण क्या है? कि वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे या वे महिलाएं थी। जाति, धर्म और लिंग के कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यवहार किया जाता है। भारत में ये एक वास्तविकता है कि जो गरीब है सामान्यतः दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के हैं। इनमें से विशेषता महिलाएं हैं, उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा, दलित, आदिवासी, मुस्लिम लड़कियां या भारतीय महिलाएं, इन सभी के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। तो आओ बच्चों, आपको मैं समानता के लिए संघर्ष के बारे में और जानकारी देती हूँ।
बच्चों दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांव और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। अक्सर समानता के लिए विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। बच्चों, मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ एक ऐसा ही उदाहरण है जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास हैं, जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतीहर मजदूरों, झुग्गी वासियों के समूह ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए हैं। बच्चों, अब आप ध्यान से तवा मत्स्य संघ की कहानी सुनो, या हम ये कहें कि उनकी समानता का संघर्ष को सुनो। जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है, बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी वे बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहरों के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इसी सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं बच्चों, बल्कि शहरों में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी गंभीर रूप से प्रभावित होती है। तो बच्चों, जब भी इस तरह का विस्थापन होता है तो बड़े छोटे बच्चों का भी नुकसान होता है। तो बच्चों, लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए सामने आते हैं। बच्चों, इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद से नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होते हुए आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। ये सब करके भी वे बहुत थोड़ा कमा पाते थे। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। अब बच्चों, जब काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया तो स्थानीय लोगों को इस बात का बहुत रोष प्रकट किया। बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ठेकेदार ले आए। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देनी शुरू कर दी, क्योंकि वहां से हटने को वो तैयार नहीं थे। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हम लड़ेंगे, संगठन बनाएंगे, और वे एक साथ खड़े होकर संगठन का निर्माण किया और उसी का नाम था तवा मत्स्य संघ। तो इसका नाम अब आपको याद रहेगा, तवा नदी है, मत्स्य यानी मछली पकड़ने वाले, संघ यानी उनका संगठन। तो ये जो नवगठित तवा मत्स्य संघ था, इसने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति उन्हें दी जाए। ये मांग करते हुए उन्होंने चक्का जाम शुरू कर दिया। बच्चों, चक्का जाम क्या होता है? चक्का जाम होता है सड़कों पर बैठ जाना या रेल की पटरियों पर बैठ जाना, ताकि कोई रेलगाड़ी और कोई भी सड़क परिवहन ना चले। उनके प्रतिरोध में देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशयों में मछली पकड़ने का अधिकार
सिर्फ यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा यानी कि लीज देना स्वीकार कर दिया। पट्टा और लीज क्या होता है बच्चों? ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें 5 साल तक वे मछली पकड़ सकते हैं और उसके बाद उन्हें वो पट्टा या लीज जो है फिर से बनवाना पड़ेगा। और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गाँव के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ, क्योंकि 2 जनवरी थी, नया साल था और ये नया साल उनके लिए खुशियां लेकर आया था। बच्चों, तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। ये इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देते थे। सारा माल बाजार तक पहुँचाना और वहाँ की उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम है। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा कमाने लगे। देखा बच्चों, इस संघ से कितना फायदा हुआ सभी मछुआरों को, इनकी आय भी बढ़ गई और उन्हें सही दाम भी मिलने लग गए। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रखरखाव की जरूरतों के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की। बच्चों, ये जो सहकारी समितियाँ होती हैं ये बहुत ही मददगार होती हैं जो उनके सदस्य होते हैं। तो आप देखो, इन्होंने उनके लिए ऋण देना शुरू किया ताकि वो जाल खरीद ले और उनका रखरखाव कर सके। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियाँ मिले। तवा मत्स्य संघ ने सभी के सामने ये बात सिद्ध कर दी, लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं। बच्चों, इन चित्रों को देखो। इस चित्र में आपको तवा मत्स्य संघ के सदस्य एक रैली में विरोध करते हुए दिख रहे हैं और इस चित्र में सहकारी समिति की एक सदस्य मछली तोलती हुई दिख रही है। तो आप देख सकते हैं, इस संघ से सभी को बहुत ही अधिक लाभ हुआ। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी, भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज है। कैसे है? न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वे मनुष्य की समता का ही होता है। बच्चों, आपने देखा होगा, जब भी कोई आंदोलन होता है असमानता के विरुद्ध, लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, तब लोग असमानता का विरोध कैसे करते हैं बच्चों? अपनी कलम, अपनी आवाज़ या अन्य कलाओं जैसे नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग करते हैं और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेखक, गायक, नृतक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चों, आपने देखा था अभी कुछ महीनों पहले जब CAA का विरोध हो रहा था, तब कितने सारे नायक और कलाकार उन रैलियों में उनके साथ बैठे थे। तो बच्चों, अक्सर कविताएं, गीत और कहानियां न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ भी करती है। बच्चों, देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। बच्चों, समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। हमने ऐसे कई मुद्दों को देखने का प्रयास किया है जो लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यमों पर व्यवसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और कपास के किसानों की बेहद कम आय होने से, ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ हैं। बच्चों, ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदाय से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं। बच्चों, लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो बच्चों, देखा आपने कि हमारा संविधान जो है वो किस तरह से एक जीता हुआ दस्तावेज है। तो बच्चों,
आप भी कोई गीत या कविता अपनी कक्षा में सुनाइएगा या अपने घर में ही अपने भाई बहन माता पिता को सुनाइए जो आपको समानता के लिए प्रेरित करती हो। तो आइए बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। तैयार हैं आप सब? तो बच्चों, पहला प्रश्न, मताधिकार की ताकत से आप क्या समझते हैं, इस पर आप विचार कीजिए। उत्तर, भारत के संविधान में भारत के सभी नागरिकों को जो वयस्क हैं या 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं उन्हें एक गुप्त मत देने का अधिकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और कई चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर ही सरकार का गठन करते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुद्दा क्या था बच्चों? उत्तर, संघ ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति उन्हें दी जाए, जो कि 1994 में तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया गया था। अगला प्रश्न, समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान की क्या भूमिका हो सकती है बच्चों? उत्तर, संविधान भी भारत के सभी नागरिकों को एक समान मानता है। संविधान जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करता। इसीलिए तब लोग समानता के लिए संघर्ष करते हैं, संवैधानिक कानून उनके पक्ष में होता है। न्यायालय संविधान को ध्यान में रखते हुए फैसला संघर्ष करने वालों के पक्ष में देता है। इसीलिए समानता के लिए लोगों के संघर्ष में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा हमारा? आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा और हमने आपको इसे सरल बनाने का पूरा प्रयत्न किया है। तो बच्चों, इस पाठ में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात पता चली वह थी समानता के लिए संघर्ष। तो बच्चों, अगर आपके आसपास भी कहीं पर भी किसी के साथ भी भेदभाव हो रहा है या असमानता हो रही है तो हाँ, आप उसका ज़रूर साथ दें। तो बच्चों, मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार।